अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारी फली है, फली की बीज है, ये हमारा जीरा है, ये हमारा कटा हुआ खोपरा है, ये हमारा धनिया है, ये हमारा तिल है, ये हमारा करियापाक है, ये कटा हुआ प्याज है। देखिए ये हमारा जीरा है, हम इसको भुनेंगे, हम इसको अच्छा सा भुनेंगे। देखिए हमारा जीरा भुन चुका है, हम एक ट्रे में ऐड करेंगे। हम सभी चीज इसी तरह भुनेंगे, तिल भुनने डाल रहे हैं अभी, हम तिल भुन रहे हैं अभी। हम अच्छा सा जो भी हमने मसाला लिया था वो पूरा भून चुके हैं, हम अब इसको ग्राइंड करेंगे। हम ऐसा ग्राइंड करने के बाद में जो मसाला था खोपरा वो नहीं पीसे जाता, इसीलिए हमने पहले पाउडर किया है, फिर हम इसको इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हम भून कर रखे थे इस तरह। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी राव मछली है, हम आज मछली का सालन बनेंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, हम डालेंगे इसमें नमक 2 स्पून, हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, पांच हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, इसको चाहे तो हल्दी भी कह सकते हैं। हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर चुके हैं, जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे हम 2 चम्मच। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने मसाला पीस लिया था पूरा पेस्ट बना चुके हैं हम, इसको अभी इसमें ऐड करेंगे मछली के सालन में, मछली में ऐड करेंगे। देखिए ये हमारी इमली है जो हमने भिगने रखा था, अब इसमें ऐड करेंगे। देखिए हम इमली का रस निकालेंगे, हम इसी में ऐड करेंगे इसी तरह। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें अभी तेल ऐड करेंगे। हम 4 चम्मच तेल ऐड कर चुके हैं, जीरा लिया है 1 चम्मच करेंगे तेल में। फ्रेंड्स हम इसमें करियापाक ऐड करेंगे, देखिए फ्रेंड्स बाजार में हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए हम इस तरह आहिस्ता मिक्स करेंगे क्योंकि वो टूट जाता है मच्छी। हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे एकदम हल्का सा, हम इसको थोड़ा सा मिलाएंगे ऐसे ही। हमारा सालन पकने आ चुका है, देखिए धीरे धीरे तेल छूट रहा है। ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम 1 लोटा। थोड़ा सा तेल छूटने के लिए हम ढककर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अभी ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ऑफ कर देंगे। देखिए ना ज्यादा गाढ़ा
ना ज़्यादा पतला। देखिए हम इस तरह मीडियम साइज ग्रेवी रखे हैं हम। देखिए अच्छा सा तेल आ चुका है, देखिए जी का, देखिए अब बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। हम एक प्लेट में एक कठोर बॉल में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हमारा जो मच्छी का सालन था रेडी हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।